वेट नहीं हुंदा पे आज मैं क्या बस हुण पहुंच जांगे अस्सलाम वालेकुम वीरन वीनियो, की हाल है? तुसी ठीक हो? वेख लो जी, असी सुबह सुबह अपनी बारी अपना पोचा फाड़ लिया, तो सफाइयां शुरू कर दित्तियां ने। बाथरूमों को चमकाने के बाद हाए बड़े बदल गरजते पे जे, बाहर बड़ी बारिश हुंदी पई है। मशीन च पाए कपड़े, तो फिर मैं क्या चलो मैं इतने होर फेर लवा। फिर मैं अपना सूटकेस लैके आई हाँ। अज कितने जाने की तैयारी हो रही है? अज तैयारी हो रही है मेरे प्यारे अबू जी के पास जाने की, और मैं ये लेके आई हूँ सूटकेस के इसमें रखूँ अपने कपड़े और फरार हो जाऊँ यहाँ से हैं। तो वेखो जी, फिर टैचिन उसी किता सीधे हाँ, मैं क्या खोलीए और मैं क्या अलमारी खोला, अपने कपड़े रखा ये। सबसे पहले मुझे अपना ये फ्रोजी सूट नज़र आ गया, मैं क्या हाँ ऐ तो मैं पा के जाना जी। आज रहा आई हूँ शॉपिंग, तो मैंने कोई की नहीं थी, बिल्कुल भी मेरी कोई तैयारी नहीं है पाकिस्तान की। बस जो थोड़े बहुत चीज़ें ली हुई थी वही हैं। एक कैमरा गंदा है, आहो लिया ने बस वही ने चीज़ें आए हाए ट्रॉली फस गई हूँ। बस अब जाके अपने शैम्पू वगैरह लो, अपनी चीज़ें लवा, तो फिर पैकिंग करती हूँ। कल 12 बजे मेरी फ्लाइट है। लो जी, शॉपिंग करके आ गई और अभी बस जल्दी में बस मैंने चॉकलेट्स ही खरीदी हैं और अपनी चीज़ा लिया ने, जड़ा उत्थे इन्ना टाइम रहना, तो अपने दवाइयाँ पैरासीटामोल और भी बड़ा कुछ तो बस वो लिया। अब जल्दी से पैकिंग करूँगी, फिर मेरा दिल करता पे मैं टाउन सेंटर का, बस टाइम ही नहीं मिला मुझे। और पता कि जदों के अम्मी नहीं ना रहे, दिल च ना शौक मुक गया है शॉपिंग करन दा, चीज़ा लैके जान दा। इंज हुण बेदिली नाल ही चीज़ा चुके दियां ने, ते बेदिली नाल ही शॉपिंग करी दी है, ते रहना ते अब्बू कोले जाके बस उन्हां दे नाल वक्त गुजारना है। ते ओह वी किन्नियां क चीज़ा लै लैणगे, उन्हां नूं हुंदा बस मेरे कोल कोई होए मेरे नाल गल्लां करे। ते शॉपिंग दी वी ना हुण मैनूं समझ आउंदी नहीं कि मैं की लवां, तो बस चॉकलेटा ते टाफिया ते खाण पीण वाली चीज़ा यही लै ते जाके हम शॉपिंग करनी है। ते कल इस वेल इंशाल्लाह जहाज च बैठी हो, फिर तुम मिलेंगे ठीक है। तो बारिश में खून दी पई, मौसम कितना खराब है, बारिश आए आए। चलो बंद हो गए, गाड़ी को बंद करूँ, अंदर जाऊँ और चीज़ा चलो। ये 2 दिन का व्लॉग है, अब ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने पाकिस्तान आना है ठीक है। तो बस जी किचन चाहिए, तो चूल्हा मैंने इंज वेखता पिया कि हाए जाती जाती कोई साड़ा हाल पुछ जा, नहीं तो साड़ा तो पता नहीं पिछू इन्होंने की हाल करना ही मैं भी फड़िया स्प्रे, मैं क्या ठिशू 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 है, मैं क्या तुम हूँ मैं सोना जो साफ करके जानी हाँ, तो होर मैं नहीं करना, तो होर किन्ने करना मेरी ड्यूटी है सारी। हाँ शायद इस आस उम्मीद से सण के जाती जाती भांडे धो जाएगी हाए मैं कहनी हूँ हाँ भांडे जान नीचे छड़ दे, मैं कहनी हाँ मौत का फरिश्ता भी आ जाए तो उन्होंने भी कह दे भरा रख लो जा 2 मिनट आप भांडे धो लीए, कपड़े मशीन च पा लीए, हले कम कर लीए थोड़ी जी, तू भी नाल थोड़ा जहा कम करा दे साढ़े फिर टुर जाएंगे तेरे नाल। तो बस जी हमने कपड़े डाले और देखें किचन को मैंने लशकाया, 12 बजे घरों निकलना सी, तो मैं बस सुबह उठ के फटाफट चीज़ा ठीक कीतियाँ, सफाई की, किचन को लशकाया, दूसरा किचन जो है अपना उसको अच्छी तरह से स्प्रे किया, मैं क्या इनू ही मैं चंगी तरह साफ कर लवा, कुकर भी साफ कर लवा। एक ना पीस ऑफ माइंड हुंदा है अपने घर नाल, तुहानू प्यार हुंदा है अपने घर की हर चीज़ नाल, तुहानू प्यार हुंदा है, तुहाडा दिल करदा कि तुसी इनू इंज ना छड्ड के जाओ। जांदिया जांदिया मैं जिन्ना प्यार अपने घर नू अपनियां प्लेटां नू अपनियां चमचियां नू दे सकदी सां, मैं दे के आई हैं। एक ग्रिडल जिहदे ते मेरे बेटे ने साड़ साड़ के स्टेक बनाई सी वी मैं धोती, फिर जो स्टैंड पे कपड़े पड़े हुए थे इन्होंने पिछों चुक ही लैने सन, पर पता नहीं क्यों मैं क्या मैं ए भी सारे तो ए भी चुक के तय करके सारे ए भी मैं जड़े ने ना रख के जावा, ए सारे मैं तय करके फिर
मैं इतों सारा फ्लोर भी साफ किया। घर के सारे कामकाज करके सुबह सुबह और मैं हो गई हूँ तैयार, और बस अभी 2 घंटे तक एयरपोर्ट जाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तैयारी है, और दुआ करें कि मैं खैर करिए से अब्बू जी के पास पहुँचूँ जाके। तो बस टिकट तो बहुत पहले दी मैं लई सी, पाकिस्तान आने के बाद ही मैंने जो है ना, यहाँ आने के बाद ही जब मैं आई हूँ तो मैंने बुकिंग कर ली थी आगे, क्योंकि अब्बू जी जैसे कि आपको पता है सना के पास हैं, और ज़्यादा देर अपने घर से दूर रह के तो उनका जो डिमेंशिया है वो ज़्यादा वर्स होता जा रहा है। तो बस तुहानू पता है थे अपने घर च भी किन्नी मसरूफियत, तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल मेरे पास कुछ भी और करने का। तो सब कुछ छड़ के मैं क्या, बस बीवी और बेटी एक मुजाहिद से कम नहीं होती, कितने कितने तो फर्ज निभाने पैंदे ने, कभी अपने घर दी जिम्मेदारियां पूरियां करनिया पैंदियां ने, और अगर आपके ऊपर माँ बाप की भी जिम्मेदारी अगर आप महसूस करें तो आप कहीं भी सुकून से रह नहीं सकते। तो लगता है इत्थे भी मैं काम कर लवा, इत्थे दी जिम्मेदारी पूरी कर लवा, उत्थे दी भी कर लवा, और अल्लाह हिम्मत दे मुझे कि रमज़ान के महीने में मैं सफ़र कर रही हूँ अपने बाप की खिदमत की नीयत से, और अल्लाह मेरा ये सफ़र और मेरी ये खिदमत जो है ना ये कबूल करे। और आप सब ने बहुत दुआ करनी है। दूसरा मैंने चैरिटी के हवाले से बात करनी है, पाकिस्तान में जाके मैंने ये रमज़ान के हवाले से जो फूड पैकेजेस हैं ये खुद ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये खुद ही करने हैं, और हमारा इरादा है कि हम पहले हफ्ते में ही कर दें। अभी तो खैर अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ जब मैं जा रही हूँ, अभी 2 दिन हैं अभी, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो आप लोगों ने डोनेशन करनी है ताकि हम बहुत सारे लोगों में फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं आप भी कर सकनी हूँ जिन्ना का मैं कर सकनी हूँ, लेकिन शायद लोग बहुत ज़्यादा हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरे साथ जुड़ें। दूसरा इंडस हॉस्पिटल के लिए जो मैंने अपील की थी आप सबके साथ, वो भी आप गो फंड के इसी पेज में डोनेशन भेजें, क्योंकि रमज़ान की हमने बहुत से ज़्यादा मैक्सिमम 2000 शायद हम फूड पैकेजेस में करेंगे जो अगर इतना इकट्ठा हुआ, और बाकी का हमने इंडस हॉस्पिटल के लिए चैरिटी रखनी है। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन में बाद में चेंज कर दूंगी इस पेज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेजेस बनाऊँ आप लोग भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसी पेज के ऊपर हॉस्पिटल के लिए भी डोनेशन करें जो कि 30,000 हमने उनको देने हैं जमा करके, और आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। जिंदगी में फर्स्ट टाइम शादी के बाद ये मेरे पहले रोज़े हैं, कोई 26-27 साल के बाद जो पाकिस्तान में मैं रखूँगी जाके, और ईद भी इतने ही सालों बाद मैंने वहाँ करनी है। लेकिन मुझे दुख और अफसोस बस इस चीज़ का है कि अम्मी ने उत्थे नहीं होना, कि टाइम भी मिले वक्त भी हो लेकिन लोग हमारे बीच नहीं होते, उस तरह की एक्साइटमेंट भी फिर नहीं रहती। तो बस उसी में ही जाना है कि अब्बू को जाके टाइम दूँ, और आप सबका साथ तो मेरे साथ रहेगा ही, तो फिर आपको मिलती हूँ आगे। 21 किलो है, 23 अलाउड है, बस ठीक है। हाँ जी हाँ है। बस जी सुबह का काम कर करके तो अब जो है अपनी पैकिंग भी कर ली, बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, आपको चल के मिलते हैं एयरपोर्ट पे। चलो जी बाकी दा भी रखो सामान। सामान पाकिस्तान कैसे जाता है ये देखिए, मेरी नंद जो है ना बाजी, जंपर की जगह नहीं थी तो ये उनका जंपर है, मैंने कहा ये मैं पहन जाती हूँ और पहन के तो फिर उन्होंने दे दांगे जाके। कितना स्वेटर ना मैं पा के आई था तो ये बड़ा है काफ़ी, तो ये पहन लेती हूँ जाके ना वहाँ फिर उनको दे दूँगी। ये लें देखो इंज जाइदा पाकिस्तान। जेडे कपड़िया की जगह ना हो ना उन्होंने पा के लै जाओ उत्ते। चलें जी चलते हैं फिर मान अल्लाह और खैर खरीद से पहुँचे ठीक है। चलें जी जा रहे हैं, आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पे। अभी 2 नफल हाजत के पड़े हैं मैंने सफ़र के, अल्लाह सफ़र में आसानी फरमाए, आगे पीछे की खैरियत हो। तो चलें जी चलते हैं एयरपोर्ट। आया है मैंने तो पता ही नहीं चला, तो स्लो मोशन चल पिया कैमरा, चलो वधिया लगता पिया। तो बस जी हम बैठे गाड़ी में और हम चले एयरपोर्ट की तरफ। मौसम जो है बस ऐसे ही था, मैनू बड़ा डर लगता है टर्बुलेंस तो मैं यही कहनी हूँ कि हाँ ये मौसम जरा सोहना हो चंगा हो
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆ ਡਰਾਉਣੀ ਜਿਹੀ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਏ ਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣਾ ਔਰ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸੇ ਤੋਂ ਬਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ ਹੈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਸ ਵਹਿ ਚੱਲੀ ट्वेंटी है वेट एक का तो 20 चलो 23 केजी था और इसका एक 20 दूसरा भी 20 आए और ये है 25 चलो ठीक बचत हो गई ये ठीक है क्योंकि एक 23 का होना चाहिए था ना चलो शुक्र है जी सामान तो निकल गया बड़ी टेंशन सी मैनू वैसे अब की कुछ है भी नहीं सी चलो हाँ ये देख ऐसे ये लें जी स्टिकर ला के चले आ जाओ है क्या जी पहले साढ़े ना पहला जहाज चलेगा इतनी सी चीज़ें हैं बस इसमें डाल ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਊਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੈ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੇਅਰ ਹੈਲੋ ਔਰ ਦਿਸ ਵਨ You will be on YouTube. Beautiful look. कितनी खूबसूरत डेकोरेशन है यहाँ पे मेरे सूट के साथ मैच हो रही है देखें इस कॉम्बिनेशन विद माई ड्रेस ऑल द स्टफ हियर ऐलान में आए हैं हम मेरा भुख नाल बुरा हशर हुंदा पिया है मैं की खावा बहुत ज़बरदस्त शॉप्स हैं देखें बर्बरी के शॉप्स की हैंड बैग्स की बड़ा कुछ जेते हाए भुख बड़ी लगी है मैं की कर ये देखें वागा मामा पे क्यों है कितना यहाँ से लेती हूँ कुछ इधर से खाती हूँ कुछ लेके कुछ हेल्थी सैलड लूँगी सैलड एक ये लेती हूँ ये मुझे अच्छा लगता है इधर ये हुम्मस है राइस है ये देखें क्या लूँ एक तो मैंने ये लिया है अब एक साथ मुझे लगता है मैं कुछ फ्रूट ले लूँ और एक लूँ साथ पानी दिस वन ओके वी आर ट्राइंग परफ्यूम हियर ओह बट इट्स जी पहुंच गए यहाँ अभी वेट कर रहे हैं बोर्डिंग करवा दी तो अब देखें थोड़ी देर में जहाज में बैठे जा रहे हैं प्लेन के अंदर आ गए प्लेन के अंदर टिकट 49K पे है मेरी सीट प्लेन ऑलमोस्ट खाली है सारा ही देखें काफ़ी बड़ा प्लेन है लुक इनका बाथरूम देखें कितना ज़बरदस्त मैं कहता नवी बखा दो यानी देखो गाना लगा ही यानी का गाना लगा हुआ है प्लेन इतने जा रहे हैं इधर से
crew are to welcome you on board EK3 company. Seat. Our flight time today is approximately 6 hours and 25 minutes and we'll be cruising at 41,000 feet. عند الحاجة سوف ترشدك الإضاءة الموجودة. जहाज़ जो टेक ऑफ करता ना मैनू बड़ा ही डर लगता, पर बहुत बड़ा जहाज़ सी, इसके टेक ऑफ करने का और लैंड करने का पता ही नहीं चला। इतना ज़बरदस्त इनकी सर्विस भी थी, खाना आ गया और इसमें बटर चिकन और पिज़्ज़ा वाले चावल सन, नाल कोई ट्राइफल जी भी सी, नाल सैलड सी और बड़ा ही मज़ेदार इनका खाना था जो मैंने बड़ा इंजॉय किया। ये नाल ही पंजाबी दी एक फिल्म लग गई सी, इस फिल्म का नाम था पता नहीं सौकण के की इहदा नां सी, वही ये एक बहन की शादी होती है उसका औलाद नहीं होती तो दूसरी बहन की शादी उस घर में हो जाती है, तो बस फिर कुछ ना पुछो की होया, उन्होंने लड़ लड़ के सत्यानाश कर लिया अपना। पंजाबी की ये फिल्म थी, मैंने बड़ी इंजॉय की और इसी फिल्म को देखते देखते हम पहुँच गए दुबई। दुबई दियाँ लाइटा नज़र आदियाँ सन बड़िया सोहनिया। ले जी हम पहुँच गए दुबई, दुबई पहुँच गए और जहाज़ देखे खाली था, मैं इधर उधर नज़र मारी, मैं क्या बड़ा वधिया जहाज़ है और स्टाफ भी बहुत ही अच्छा, इनकी सर्विस बड़ी ज़बरदस्त। और मैं निकली यहाँ से बाहर, मेरा दिल सी कि मैं ज़रा दुबई एयरपोर्ट घूम घूम के वेखा, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, एक घंटा था कनैक्टिंग फ्लाइट में, बस यह जड़ियाँ आप ही पौड़ियाँ टुरी जाने इन्हों के उपर चढ़ गए। और फिर जब मुझे पता चला कि मेरा जो गेट नंबर है जिथे मैं जाना वो तो फरे कि दूर है, मैं तो दौड़ के भी जावा तो ना, तो फिर गड्डी वाले ने कि बिठा लिया मैनू, तो बस फिर हम उड़ते 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 पहुँच गए जाके अपने गेट के उपर और टाइम ना ही पहुँच गई, क्योंकि एक घंटा जरा बहुत थोड़ा टाइम होता है। यहाँ से हम फिर बोर्डिंग कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, एमरत का ही जहाज़ था दूसरा, ये भी बहुत अच्छा बड़ा जहाज़ था और जगह भी अंदर काफ़ी इसके खुली थी और ये जड़ा ना तू तंग तंग नहीं फील हों जहाज़ नहीं, तो मैं बड़ा ही घबरा पैन लग पैंता है। शाम का वक्त था, रात पैंती पी सी, उन्होंने बत्तियां छत्तियां बंद कर दी, मुड़ के मुझे लगता है उन्होंने हमें सुबह कोई 5 बजे दिया नाश्ता जो हमने खाया और हम इधर पहुंच गए जी फिर लाहौर इंटरनेशनल इलामा इकबाल एयरपोर्ट के ऊपर। और मैं थोड़े जे पैसेंजर सब कोई 50 बंदे होने मैं लगता पूरी फ्लाइट च, बस जी समान आया और फिर मैं लेके आ गई बाहर। बाहर तो मैं कहनी हूँ कोई मेला लगा सी, इतने लोग उम्रे से आए हुए थे और उनकी फैमिलीज लेने की। मैं भी जल्दी बाहर आ गई, इमिग्रेशन भी बड़ी जल्दी क्लियर हो गया और यहाँ पे ये देखें फूल, मैं कहनी हाँ कई दे बेटे इन्नी इन्नी देर बाद आए और उनकी माओं को रोते गले मिलते देख के दिल बड़ा ही दुखी हुआ कि कितनी मजबूरियाँ होंदिया ने। ये ले जी मेरे भाई आ गए फिर और बस फिर हम अब जा रहे थे गाड़ी की तरफ, मैं क्या पिछों तुम एयरपोर्ट विखावा थोड़ा जहा। और बड़ी रौनक लगी, बड़ा अच्छा लगा, मौसम बहुत अच्छा था, कार पार वेख के मैं हैरान रह गई, पहले मैं कार पार्क कभी ये वाला मैंने देखा नहीं था और बड़ा ही खूबसूरत कार पार्क बना हुआ है। और जी हाँ जी बस पहुंच जानी है थोड़ी देर तक, चलो ठीक है अच्छा अच्छा दाफेज दाफेज लाओ पैसा डब। मैनू लाल लगता ही नहीं पाया कि मैं पाकिस्तान गई सा, 3 महीने बाद आई हूँ, मैं लगता भी मैं इतें ही स किधर एक दो दिन ली गई सा फिर आ गई वापस। अबू फोन करी जांदे बाबू आ जाओ जी आ जाओ जी बड़ा इंतजार सुबह दा जी बड़ा आज अस्सलामुअलैकुम साबा की हाल है सब ओथे खलो के तेरा इंतजार कर रही सी ठीक है हां जी तू सुना ओए ओए मैं भी ठीक हां मैं तो लगदा मैं गई नहीं सा इत्तों मैं तो लगदा मैं पर एक दो दिन ले किधर गई सा फिर वापस आ गई घर जाना है हुन नहीं हुन नहीं हां सा ठहर हां कहना सा ठहर आ जाना है पुछा जाना आहो आपे जाना आहो आहो मेरे पैर देखो सुजे ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ
ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੇ ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਮੌਸਮ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਰਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੂਬਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡੀ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੀ ਤੜੇਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਜਾਣੀ ਪਈ ਖਬਰਾਂ ਸਨਾ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਿੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੇ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਆਰ ਡਾਲੇਂਗੇ ਕਰੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰੇਲੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਲਾਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲੈ ਜੁਨਾ ਕਿਆ ਖਾ ਰਹਾ ਹੈ ਚਾਵਲ ਹੈ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਕਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇਲੇ ਕੈਸੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟਿੰਡੇ ਟਿੰਡੇ ਕੈਸੇ ਪੱਕੇ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪੱਕੇ ਹੈ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਿੰਡੇ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਖਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੇ ਸਲੀਪਰ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਨ੍ਹੋਂ ਟ੍ਰਾਈ ਕੀ ਥੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕ੍ਰੌਕਸ ਸਹੀ ਨਾਮ ਬੋਲਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਥਾ ये जी मैंने मंगवाया था बहुत शुक्रिया इसकी बड़ी अशद जरूरत थी जी मेरे किचन में ग्राइंडर ये मैंने खुद कह के मंगवाया कि मेरे लिए वहाँ से क्योंकि जो पहला था वो भी ये ला लेके आई थी तो वो ख़राब हो गया वो बड़े साल चला है वो अल्लाह जन्नत नसीब करे वो मुझे अम्मी ने दिया था कि पलविशार ने तुम्हारे लिए कार्गो में भेजा है वो कार्गो में आया था दिखाओ क्या आया वाह जी वाह पेंसिल कलर और ये वाह जी वाह अल्लाह बीबी क्रीम चलो सो जाओ अबू कहते ना सो जा जाके चलो चल लिए सो जाओ तुसी ये है अबू जी का कमरा इधर सोएंगे ये अच्छा चलो तो बत्ती बंद कर दे अच्छा चलो जी दरवाजा भी बंद कर दे ओला